जेल के उसी वक्त उनके जो यादव जी थे उनको गिरफ्तारी तुरंत करके जेल में डलवाया गया। तो आप लोगों को अपने हम और किसी से हम कम नहीं है। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांग जनों द्वारा जन जागरूकता दिव्यांग अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांग जनों ने दिव्यांग जन अधिनियम 2016 के तहत अपने अधिकारों की मांग की है। जिला सचिव राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर दिव्यांग जनों के द्वारा सत्याग्रह का आयोजन किया गया है, जिसमें दिव्यांग जन अधिनियम 2016 में निहित अपने अधिकारों की मांग की गई है। राजेश गुप्ता ने कहा कि सरकार द्वारा दिव्यांग जनों के दिए जाने वाले अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। सुविधा के नाम पर सिर्फ घोषणाएं की गई हैं, लेकिन धरातल पर दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए कोई योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर दिव्यांग जनों के द्वारा अपने 46 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार को सौंपा जाएगा। किसी से हम कम नहीं है, बताते हम लोग गलत नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं रोहतास जिला के PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी का जिला सचिव हूँ और विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। हम लोग सभी यहाँ पे दिव्यांग इकट्ठित इसलिए हुए हैं ताकि हमारी जो एसोसिएशन का मांग है 46 सूत्रीय, उसमें से हमें 1% का जमीनी स्तर पे लाभ नहीं मिल रहा है किसी भी दिव्यांग। हम लोग इसीलिए इसका शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह कर रहे हैं ताकि हमारी ये 46 सूत्रीय मांग सरकार तक पहुँचे। DM साहब को अभी हम लोग जा करके सौंपेंगे अपना ज्ञापन। सिर्फ सरकार हमें दिव्यांग नाम दे दिया है और दिव्यांग के लिए हमारी जितनी भी हमारी सुविधाएं उपलब्ध है वो दिव्यांग नाम के तले में दबा दिया गया। तो दिव्यांग नाम के नीचे में हमारी जितनी भी सुविधाएं है सरकार दबा दी है। दिव्यांग हम नहीं है, हम विकलांग ही सही है। हमें कुछ दे ना दे, रोजगार दे, पेंशन देना है तो कम से कम 3,000 रुपये पेंशन दे, अंत्योदय योजना के तहत 35 किलो राशन दे और 5 डिसमिल जमीन सभी विकलांग को, जो वैसे विकलांग जो भूमिहीन है उनको 5 डिसमिल दे। और भी बहुत सारी इसमें हमारी मांग है, हम वो सभी जाकर के DM साहब को अभी सौंपने वाले। बता दें कि ज्ञापन में दिव्यांग जनों के रोजगार, राशन एवं 5 डिसमिसल भूमि आवंटित करने समेत कई मांगों को इंगित किया गया है। अगर सरकार सभी सुविधा मुहैया नहीं कराएगी तो आगे भी दिव्यांग जनों का सत्याग्रह जारी रहेगा। पंजाब केसरी TV के लिए रोहतास से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।